हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं कमलेश बढ़ाना और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं वीडा वी वन प्रो जो आता है हीरो की तरफ से अब ये क्लियर कर देता हूं मैं हीरो इलेक्ट्रिक नहीं है हीरो मोटोकॉप जो स्प्लेंडर वाला है उसके तरफ से ये स्कूटर लॉन्च किया गया है क्या इसकी स्पेक्स रहेंगी क्या इसकी प्राइसिंग है सब्सिडी कितनी रहेगी वो सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हीरो मोटोकॉर्प ने जो वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है इसके अंदर दो वेरिएंट हैं प्लस और प्रो अब इसके अंदर डिफरेंस की बात कर लें तो कलर के अंदर डिफरेंस रहेगा बैटरी पैक के अंदर डिफरेंस रहेगा इसकी जो रेंज है उसके अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा वहीं पर सिमिलरिटी की बात करें तो आपको डायमेंशन सेम रहेंगे इसके अंदर वहीं पर इसकी वारंटी वो भी आपको सेम मिलेगी दोनों वेरियंट के अंदर वॉकराउंड की शुरुआत कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल से तो यहाँ पर ब्लैक शेड में वाइजर है टर्न इंडिकेटर एलईडी के अंदर हैं और क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छे हैं फ्रंट पोर्शन देख लें तो यहाँ पर वीडा का लोगो मिल जाएगा और होने को तो ये फाइबर के अंदर ही है बट बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो वहां पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों यहाँ पर जो हेडलाइट है वो भी यूनिक दी गई है एलईडी डियर दिए गए हैं दो प्रोजेक्टर लैंप दिए गए हैं जो भी आपको एलईडी के अंदर मिलेंगे फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक शोक एब्जर्बर है और यहाँ पर आप देखेंगे छोटे रिफ्लेक्टर्स भी हैं सेफ्टी के हिसाब से फ्रंट साइड में ट्यूबलेस टैक्स दिया गया है जो आता है बारह इंच के एलमिनियम एलोविलरियम के साथ में ब्रेकिंग में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे जो कॉम्बिनेशन ब्रेक के साथ में है अब यहाँ पर इसके आर के डिज़ाइन की बात कर लें तो कुछ ऐसे डिज़ाइन के दिए गए हैं डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं और अगर व्यू क्वालिटी की बात करें तो वो भी आपको इसके अंदर कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी अब बात करेंगे इसके साइड प्रोफाइल की तरफ तो नीचे की तरफ आप देखेंगे फुटबोर्ड के यहाँ पर आपको चेसी नंबर देखने को मिलेंगे फुटबोर्ड फ्लैट दिया गया है आप आराम से पैर रख सकते हैं छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं बट सिलेंडर की आप बात कर लें तो इतना स्पेस तो नहीं मिलेगा यहाँ पर स्विचेज मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप सीट को लॉक अनलॉक कर सकते हैं अगर इसकी की फोब की बात करें तो कुछ ऐसी डिजाइन का दिया गया है इसके अंदर ही आप इसकी जो लाइट है उसको ऑन कर सकते हैं और यहीं से आप चाहें तो बूट स्पेस को भी ओपन कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको एक लंबी सी सीट मिल जाएगी दो लोग आराम से इसके ऊपर कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं लेदर टच भी इसके ऊपर मिलता है की बात करें तो वो अलग से नहीं दिया गया है आपको बॉडी के अंदर ही मिल जाएगा अगर साइड प्रोफाइल में देखें तो वीडा V1 Pro की ब्रांडिंग दी गई है क्रोम फिनिश के अंदर इसी के पास में देखेंगे तो मेटल के फ्रेम के अंदर एक कंपार्टमेंट दी

वहीं पर अगर इसकी मोटर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 3.9 पॉइंट की पी एम मोटर मिलती है इसका मैक्स टॉर्क रहेगा 25 फाइव का अगर मोटर की पीक पावर की बात करें तो वो रहेगा 6 किलो का अब आ जाते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पर जो टेल लैंप है वो हेडलाइट की जैसे ही आपको उसी डिजाइन के अंदर उसी पैटर्न के अंदर मिलेगी और इसी के पास में आप देख सकते हैं वीड़ा का लोगो मिल जाएगा अब टर्न इंडिकेटर तो एलईडी के अंदर है ही है साथ में जो इसकी नंबर प्लेट लाइट है वो भी एलई के अंदर दी गई है नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस भी दिया गया है क्योंकि एक आर व्हीकल है इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी इस स्कूटर को राइड करने के लिए दोस्तों फाइनली आ जाते हैं वीड़ा के लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरफ सबसे पहले मैं मोटर की लोकेशन बता देता हूँ

आप इसको पुश करते हैं तो दस सेकंड के अंदर अंदर आपकी लाइव लोकेशन का मैसेज चला जाएगा इसी के पास में आप देखेंगे तो आपको एक पार्किंग और इसकी जो क्रूज कंट्रोल की स्पीड बढ़ाने के लिए एक स्विच मिल जाएगा जिसको आप इजिली यहां से कंट्रोल कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है और इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो स्पीड कम करने के लिए और रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच तो आपको राइट right साइड में मिल जाएगा बट इसका इग्निशन स्विच अलग से दिया गया है जिसकी हम बात आगे करने वाले हैं अगर लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पर जो है आपको टच स्क्रीन के साथ साथ कंट्रोल्स भी मिलते हैं जिसकी वजह से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं आगे डिपर का स्विच है यहाँ पर जो है हिजार्ड का स्विच मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर और हॉर्न के स्विचेस भी दिए गए हैं लेफ्ट साइड में अगर इसकी इग्निशन स्विच की बात करें तो वो यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया है इंस्ट्रूमेंट में सेवन इंच की टी टी टच स्क्रीन मिल जाएगी दोनों बैटरी की इंडिविजुअल बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं मोटर का स्टेटस देख सकते हैं ऑन है या ऑफ है इसके बाद में कौन से मोड में गाड़ी है वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे इसी के साथ में अच्छा फीचर ये है कि गाड़ी को लॉक करना हो तो आप टच स्क्रीन से कर सकते हैं साथ में अगर बूट ओपन करना हो तो वो भी आप यहाँ से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं इसी के पास में ऑडोमीटर रीडिंग क्या डे है डेट कितनी है टेम्परेचर कितना है साथ में ही जो है क्रूज़ कंट्रोल साइड स्टैंड वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी इसके बाद में अगले फीचर की तरफ बढ़े तो डिस्प्ले से रिलेटेड और भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अगर आपको डार्क थीम पसंद है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके साथ में जो है ब्राइटनेस ऑटो पर रखना चाहते हैं या अपने हिसाब से मैनुअल रखना चाहते हैं वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसके बाद में कनेक्ट में चलें तो स्कूटर को आप वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन मिल जाएगा इसके बाद हम माई स्कूटर की तरफ चलते हैं तो बजर का जो साउंड है उसको ऑन ऑफ़ करना चाहते हैं एक्स बैटरी का कितना वोल्टेज है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ीचर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो स्कूटर से रिलेटेड उसको अपलोड कर सकते हैं फाइनली चलते हैं अबाउट के अंदर तो यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपडेट आएंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी वाईफाई से कनेक्ट करके अप टू डेट रख सकते हैं अपने स्कूटर को अब चलते हैं वीडा के बूट स्पेस की तरफ तो स्क्रीन पर भी आपको एक स्विच मिल जाएगा नीचे भी आप देख सकते हैं एक स्विच दिया गया है और की पर भी आपको एक स्विच मिल जाएगा तीन तरीके से आप इसकी सीट को ओपन कर सकते हैं अगर बूट स्पेस की बात कर लें तो 26 लीटर आपको पीछे की तरफ दिया गया है और 10 लीटर का बूट स्पेस आपको आगे की तरफ मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर इसके चार्जर की बात कर लें तो मेटल बॉडी के साथ में आता है मेड इन इंडिया चार्जर दिया गया है अगर इसके मैक्स आउटपुट की बात करें तो वो रहेगा नाइन पॉइंट के साथ में दोस्तों वीडा V1 Pro के अंदर बैटरी पैक 3.94 पॉइंट का मिलेगा दो बैटरीज मिलेंगी जो दोनों ही पोर्टेबल हैं आप दोनों को निकाल कर चार्ज कर सकते हैं लिथेमान बैटरी पैक है और अगर पर बैटरी की बात करें तो वो रहेगा 1.97 पॉइंट किलोवाट की बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग सारे फीचर दिए गए हैं आप इसको निकाल कर अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं पोर्टेबल चार्जर की मदद से इसके बाद में सेकेंड फीचर की बात करें तो नॉर्मली जो स्कूटर में लगा कर चार्ज कर सकते हैं उससे भी चार्ज कर सकते हैं दोनों के अंदर जीरो से एटी होने के लिए आपको इसके अंदर लगभग छः घंटे देने होंगे तीसरे की बात कर लें तो यहाँ पर आप फास्ट

अब ये प्रो मॉडल है तो इसकी रेंज रहेगी 165 किलोमीटर पर चार्ज के अंदर और वहीं पर V1 वन प्लस वाले वेरिएंट के अंदर थोड़ी रेंज कम है उसकी रेंज रहेगी 143 किलोमीटर पर चार्ज के अंदर एक बार डायमेंशंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं फिर चलते हैं सीधे प्राइसिंग की तरफ तो अगर इसकी व्हील बेस की बात कर लें तो वो रहेगा तेरह सौ mm एक का ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा एक सौ mm पचपन का और सीट हाइट की बात करें तो वो रहेगा 780 सौ mm अस्सी का दोनों वेरिएंट्स के अंदर डायमेंशन्स के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की तो मैंने जो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है वो ही ले लिया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे तो यहाँ पर जो V1 Pro है और V1 Plus है दोनों की ही प्राइस लेकर चल रहे हैं बट अगर बात करें इसकी V1 Pro की एक्सट्रूम प्राइस की तो वो रहेगा एक लाख निन्यानवे हज़ार रुपये और वहीं पर प्लस रहेगा एक लाख छिहत्तर हज़ार रुपये पोर्टेबल चार्जर के लिए दोनों ही जगह आपको बीस बीस हज़ार रुपये देने रहेंगे बट फेम टू सब्सिडी की बात करें तो प्रो के अंदर रहेगी साठ हज़ार रुपये वहीं पर प्लस के अंदर रहेगी इक्यावन हज़ार रुपये और स्टेट सब्सिडी की बात करें तो प्रो के अंदर रहेगी ग्यारह हजार सात सौ अड़तीस रुपये वहीं पर प्लस के अंदर रहेगी ग्यारह हजार एक सौ नब्बे रुपये तो यहां पर जो ऑन रोड प्राइस निकल कर आती है सब कुछ जोड़कर सब कुछ घटाकर तो वो रहेगी वी वन प्रो की एक लाख सैंतालीस हजार दो सौ बासठ रुपये वहीं पर वी वन प्लस की बात करें तो वो रहेगी एक लाख तैंतीस हज़ार आठ सौ दस रुपये कलर ऑप्शन की बात करें तो व्हाइट रेड ऑरेंज तीन कलर मिलेंगे प्रो के अंदर वहीं पर प्लस की बात करें तो ऑरेंज छोड़कर रेड और व्हाइट दो कलर उसके अंदर मिल जाएंगे तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हीरो प्रो के ऊपर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के अंदर टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग